For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद मनान अज़हर है। मैं तीन जगह प्रैक्टिस करता हूँ, मॉर्निंग में सिटी हॉस्पिटल में बहरिया टाउन, आफ्टरनून में ताहिर हॉस्पिटल एलडी एवेन्यू, एंड इवनिंग में मॉडल टाउन में डॉक्टर मनान इंस्टीट्यूट डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर में। जो हमारे पेशेंट्स होते हैं या आप जो ऑडियंस होती है उनकी आगाही के लिए हम कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं जिसमें हम पेशेंट्स को इंफॉर्मेशन देते हैं उन बीमारियों के मुतालिक या उन बीमारियों के इलाज के मुतालिक। तो आज जो हमारा सवाल है वो है कि व्हाट इज़ रूट कनाल। रूट कनाल मैं आपको ऐसे शुरू करता हूँ इसके बारे में कि जैसे कि जब कभी हमारी स्वेलिंग होती है या हमें अचानक शदीद पेन होती है तो हम भागे भागे डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट से पूछते हैं जी हमारे दांत में दर्द हो रहा है या हमें स्वेलिंग हो रही है, इसका क्या हल है। तो डेंटिस्ट पूरा आपको चेक करने के बाद, आपके कुछ एक्सरेज करने के बाद आपको गाइड करता है कि जी आपका रूट कनाल होगा। जो रूट कनाल है, पेशेंट को हर पेशेंट को इस बारे में आइडिया नहीं होता कि रूट कनाल क्या चीज़ है। रूट कनाल बेसिकली जड़ का इलाज कहलाता है। जड़ के इलाज से मुराद ये होता है कि हम जो आपके दांत होता है उसके तीन हिस्से होते हैं, क्राउन, उसके बाद फिर अंदर जो उसके पल्प होता है, पल्प के बाद नीचे उसके आपके वो रूट्स आ जाती हैं, जड़ें आ जाती हैं। जो जड़ें होती हैं उनको हम साफ़ करते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद हम उसको फिल करते हैं। इसमें सारा जितना भी इन्फेक्शन होता है उसको क्लीन किया जाता है ताकि इन्फेक्शन जब ख़त्म हो जाता है तो फिर पेशेंट को तकलीफ़ होना भी बंद हो जाती है। तो दिस इज़ रूट। जी रूट कनाल हर पेशेंट के लिए नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें रूट कनाल की ज़रूरत नहीं होती और पेशेंट को दिमाग में होता है कि जब मुझे लास्ट टाइम तकलीफ़ हुई थी और मैंने रूट कनाल कराया था तो मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो गई थी, लेकिन हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि वो रूट कनाल से ही उसका इलाज किया जाए। सम टाइम्स हम उसकी पहले सफाई करके हम कुछ ऐसी दवाई रख देते हैं दांत के अंदर कि जिससे उनकी जो इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब इन्फेक्शन ख़त्म हो गया तो फिर रूट कनाल की ज़रूरत ही नहीं रही। सो ये आपका डेंटिस्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको रूट कनाल की ज़रूरत है या नहीं है। उसके लिए वो आपके कुछ पहले हिस्ट्री लेगा, आपसे पूछेगा कि आपको दर्द कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, आपको कब से लग रहा है कि दर्द हो रहा है, स्वेलिंग महसूस तो नहीं होती, क्या करते हैं तो दर्द शुरू होता है, खाना फंसता है तो शायद दर्द महसूस होता है या वैसे ही आपको हर वक्त सोते हुए भी दर्द होता रहता है, दर्द ठीक कैसे होता है, कोई दवाई खाने से दर्द ठीक होता है या खाना अगर फंसा हुआ है दांतों के दरमियान में तो उसको निकालते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है। सो ये जब और फिर कुछ एक्सरेज करता है, उन रेडियोग्राफ्स के बाद वो आपको जो डेंटिस्ट है वो गाइड करता है कि जी आपको रूट कनाल की ज़रूरत है या नहीं है। तो रूट कनाल जो होता है ये तकरीबन कम से कम 3 to 4 विजिट्स का होता है। समटाइम्स ये एक विजिट में भी हो जाता है लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, हमेशा हर पेशेंट पे वो एक विजिट का नहीं किया जा सकता, लेकिन जो नॉर्मली जो होता है वो 3 to 4 विजिट्स का होता है। जो टाइम ड्यूरेशन होता है, नॉर्मली हम ये करते हैं कि एक विजिट के बाद हम तकरीबन 1 से 2 दिन का बीच में गैप डाल देते हैं। अगर नहीं इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो ये बीच में गैप जो है वो बढ़ भी जाता है और तकरीबन इसमें 15 डेज का गैप आ जाता है। उसमें हमें एक दांत के अंदर मेडिसिन रखनी होती है जो कि इन्फेक्शन को ठीक करती होती है, फिर उसके बाद हम उसको फिर फिल करते हैं। अब इसका प्रोसीजर ये है कि हम सबसे पहले आपका जो दांत है उसके अंदर हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं, जगह बना के हम अप्रोच करते हैं आपकी जो जड़ों को, कैनाल्स को, जो हम आपकी रूट कैनाल्स को जब हम अप्रोच करते हैं तो उनको सारा अच्छी तरह से क्लीन करते हैं टिल द टिप ऑफ द रूट, और उसके बाद फिर हम उसको क्लीन करने के बाद अंदर हम कुछ अद्वियात रखते हैं। वो जो मेडिसिन होती हैं वो इन्फेक्शन को रिड्यूस करती हैं और थोड़ा सा वो सूदिंग भी होती हैं, अगर पेशेंट की जो तकलीफ़ होती है उसको कम करने में भी मदद देती हैं। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ये 2nd-3rd विजिट तक हम जब भी आपका सारा क्लीन हो जाता है अंदर से, पेशेंट को पेन ख़त्म हो गई, पेशेंट को कोई स्वेलिंग नहीं है और पेशेंट बिल्कुल कम्फर्टेबल है, तो फिर हम उसके बाद उसकी फिलिंग कर देते हैं रूट से। हम उसको हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं जो कि हम उसके जड़ से लेके उसके क्राउन तक, हम उसके यानी दांत के टिप तक जो ना ऑक्लूजन टिप तक, वहाँ तक हम उसको फिल कर देते हैं। जब रूट कनाल हमारा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्राउनिंग का।
बेसिकली जो क्राउनिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैं मेंशन ज़्यादा ज़रूर करूँगा इस बात को, क्योंकि कुछ पेशेंट्स रूट कनाल करवाने के बाद क्राउन नहीं करवाते. तो इन द मोस्ट टाइप्स ऑफ केसेस हमें क्राउन करवाना पड़ता है. उसकी रीज़न ये होती है कि रूट कनाल के बाद दांत कमज़ोर हो जाता है और पेशेंट सोचता है कि मैंने रूट कनाल करवा दिया, मेरा दांत ख़त्म हो गया, बस फिर अब सब छुट्टी, अब मैं मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, और वो क्राउन नहीं करवाता. उससे होता है कि कुछ अर्से बाद उसका दांत टूटना शुरू हो जाता है. जब वो दांत टूटना शुरू होता है तो वो फिर वैसी तकलीफ होती है, भागा भागा डेंटिस्ट के पास वापस आता है. वो कहता है जी आपने मेरा कैसा रूट कनाल किया था, मेरा तो दांत सारा टूट गया. और फिर वहाँ पर डेंटिस्ट आपको ये बात कहता है जी मैंने आपको गाइड किया था कि आप उसका क्राउन करवाइए, आपने नहीं करवाया तो ये कॉन्सिक्वेंसेज आपको बेयर करने पड़ रहे हैं. सो इस चीज़ को आप ख़ुद से ख्याल रखें, रूट कनाल जब भी करवाएँ साथ क्राउन लाजमी करवाइए. रूट कनाल की टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे मिथ्स हैं और क्या कहते हैं कुछ ऐसे हैं जो कि उनका नाम लेना मुनासिब भी नहीं है. लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मिथ्स होते हैं, एक तो ये होते हैं कि जी गॉड फॉरबिड पेशेंट कहता है कि जी रूट कनाल करवाने से मैंने सुना है कि जी कोई बहुत ख़तरनाक बीमारियां हो जाती हैं. ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसा इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है ये. और अच्छा, कुछ पेशेंट्स के मैं अवेयरनेस के लिए ये बात कहूँगा कि पेशेंट्स मेरे पास ये आके कहते हैं जी रूट कनाल ना करें, आप वैसे बस भराई कर दें, ऐसी इसकी फिलिंग कर दें कुछ. अब हम क्या करें कि अगर दांत के अंदर इन्फेक्शन उसकी जड़ तक जा चुका है और हम अगर ऊपर से उसके फिलिंग कर दें तो अंदर जो इन्फेक्शन है वो तो मौजूद रहेगा, समझ रहे हैं. सो फिर क्या होता है ऐसी सिचुएशंस में, अंदर जो इन्फेक्शन होगा वो फैलता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी. खाना नहीं फंसेगा लेकिन तकलीफ बढ़ती जाएगी क्योंकि इन्फेक्शन तो अंदर पहुंच गया. सो प्रोसीजर जो है वो प्रॉपरली करवाया करें. क्योंकि मैं तो नॉर्मली रिफ्यूज़ कर देता हूं कि जी मैं तो जब इन्फेक्शन नीचे है तो मैं रूट कनाल मैं आपके ऊपर फिलिंग नहीं कर सकता. तो वो कहते हैं अच्छा जी चलें ठीक है मैं देख लेता हूं, आप कोई बात नहीं मुझे बस मेडिसिन दे दें. हम मेडिसिन दे देते हैं, वो जाते हैं किसी और डेंटिस्ट के पास. और अगर डेंटिस्ट नहीं, मोस्टली जो पाकिस्तान में थोड़ा सा एक हमारे पे एक क्वैक्स की जो एक हम पे एक समझ लें एक अच्छी बात नहीं है, जो क्वैक्स हमारे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास जाते हैं. वो कहते हैं जी हमारे दांत के अंदर वो भराई कर दो भाई, उसकी फिलिंग कर दो. वो कहता है जी ठीक है उसको क्या प्रॉब्लम है, उसमें वो मिक्स करके मटेरियल रख देता है. कुछ अर्से बाद जब आपकी स्वेलिंग होती है तो फिर आपको वो वाला डेंटिस्ट याद आता है कि यार वो डेंटिस्ट अच्छा था, वो सही था, उसने सच बोला था और हमने बचत करने के चक्करों में हमने अपने आप को और मसले में डाल दिया, फिर दांत निकालना पड़ जाता है. एक तो ये मसला. दूसरा ये कि जो कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो जब उनके रूट कनाल प्रोसीजर स्टार्ट करता है तो होता है. सो मोस्टली केसेस में हम जो फर्स्ट विजिट में ही पेन ख़त्म कर देते हैं, और क्योंकि जिनमें इन्फेक्शन मुनासिब हो, इतना ज़्यादा ना हो, तो उनमें फ़र्स्ट विजिट में ही इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है. तो पेशेंट समझता है जी मेरा अगर फर्स्ट विजिट में इन्फेक्शन ख़त्म हो गया तो दैट मीन्स कि मेरा रूट कनाल ख़त्म हो गया. फिर उसके बाद वो उस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं. नेक्स्ट विजिट्स में जो कमिंग विजिट्स होते हैं उनमें वो आते नहीं हैं, और जब वो नहीं आते फिर एक दो महीने बाद उनको फिर दोबारा शदीद स्वेलिंग और शदीद पेन के साथ भी हमारे पास फिर वापस भागे भागे आ रहे होते हैं. और फिर हम आपको बताते हैं जी अब आपका दांत बचना और भी मुश्किल हो गया और ये दांत अब निकालना पड़ेगा. फिर वो और ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं. इसमें पैसे का ज़ाया भी होता है और उसके अलावा टाइम भी वेस्ट होता है, आपका दांत भी ज़ाया होता है. अच्छा, जो ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ रूट कनाल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए रूट कनाल का आउटकम, मैं कभी भी अपने पेशेंट को ये नहीं कहता कि जो रूट कनाल हो रहा है ये कोई जादू हो रहा है आपके साथ. ये कोई जादू नहीं हो रहा, ये एक ऐसा प्रोसीजर हो रहा है जिसमें आपके दांत जो कि बिल्कुल निकालने की पोजिशन में था, ये यानी वो दांत जो कि अगर आप पुराने ज़माने में होते या जब टेक्नोलॉजी नहीं थी उस दौर में होते तो आपके ये दांत निकाल देते. ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें वो निकलता हुआ दांत बचाने की कोशिश की जाती है. ठीक है, इन सम केसेस दांत नहीं बच पाता. उसकी रीज़न ये है कि समटाइम्स इन्फेक्शन बोन में चला जाता है जो कि और अंदर जाके एक मेडिकल टर्म में सिस्ट बना देता है, यानी अंदर एक ऐसी पस की थैली बना देता है जो कि हम रूट कनाल से भी ख़त्म नहीं कर पाते.
उन सिचुएशंस में हमें दांत निकालना ही पड़ता है। सो इसकी जो आउटकम है बहुत अच्छी है, मतलब इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे केसेस, मतलब समझ लें 100 में से 80 केसेस बच जाते हैं, लेकिन 20 केसेस ऐसे भी होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होते सॉरी। और इन दैट केस हमें वो दांत निकालने ही पड़ जाते हैं, ठीक है। अगेन मैं आपसे वही बात करूंगा, रूट कनाल करने के बाद हम तो अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद जो केयर रखनी होती है वो पेशेंट ने रखनी होती है। अगर पेशेंट रूट कनाल कंप्लीट किसी कॉम्पिटेंट डॉक्टर से रूट कनाल करवाने के बाद उसको अपने दांत को क्लीन नहीं रखता, वहाँ पे दोबारा वैसे खाना फंस रहा है, क्राउन को अगर क्राउन करवाया हुआ है तो उसके नीचे की सफाई नहीं कर रहा सही तरह से, और खाना उसी तरह से दोबारा से फूड इंफेक्शन हो रही है, सो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। जब दोबारा से बनना शुरू होगा फिर आप वही डेंटिस्ट के पास जाएंगे, जी आपने रूट कनाल किया था मेरा और मेरा दोबारा इन्फेक्शन हो गया, अब इसका कोई हल बताएं। डेंटिस्ट के पास दो ऑप्शन होती हैं, वो कहते हैं जी मैं एक ट्राई करता हूँ आपका रूट कनाल दोबारा करने की, और उसे कहते हैं रीएंडो, मैं रीएंडो करने की कोशिश करता हूँ आपकी, और इसमें भी चांसेस हैं कि आपका दांत शायद बच जाए, लेकिन उसमें भी बचने के चांसेस और कम हो जाते हैं। सो इस जो रूट कनाल बेसिकली हम, अगर मैं आपको ये बात थोड़ा सा इस तरह से गाइड करूँ कि ये एक ऐसा दांत जो कि निकालने की पोजीशन में था, हमने उसको बचा लिया और हमने कोशिश की कि यार जो दांत निकल रहा था वो कुछ साल आपको सर्व करके जाए और कुछ अर्सा आपका ये इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि जो रूट रिलेटेड दांत हैं कुछ तो फॉर लाइफ भी चल जाते हैं, लेकिन डोंट कीप योर होप्स सो हाई, समटाइम्स ये दोबारा से इन्फेक्शन हो जाता है। सो अपने माइंड में ये बात रखें, तो इसलिए बेहतर ये है कि रूट कनाल वाली पोजीशन आने ही ना दें, इससे पहले ही डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाया करें, एवरी 6 मंथ्स अपने डेंटिस्ट को चेक करवाया करें, उसको पूछा करें कि यार मेरे कहीं पे कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है दांत में, वो आपका चेकअप करेगा, आपको गाइड कर देगा जी कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाह रहे हैं रूट कनाल के बारे में, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको भी किसी इसी तरह के दांतों की कोई परेशानी है, अगर परेशानी नहीं भी है आप सिर्फ चेक करवाना चाह रहे हैं, तो आप बिला झिझक marham.pk के थ्रू हमें कॉल करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमें आके अपने दांत चेक करवा सकते हैं, और हम आपको डेफिनेटली सारा गाइड करेंगे कि आपको कोई ज़रूरत है डेंटल ट्रीटमेंट की, या आपको दांतों की बचाने की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर आपको दांतों के सफाई का तरीका सही नहीं है, हम आपका तरीका ही इम्प्रूव कर देंगे। बस पॉइंट ये है, झिझक कम करें डेंटिस्ट के पास जाने वाली, वो जो कहते नहीं नहीं यार मैं चला जाऊँगा, अपने लाइफ में ये अपनी ये इसका रूटीन का पार्ट बना लें कि आपने एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट को ज़रूर चेक करवाना है, ठीक है। थैंक यू।